Assalamualaikum student, this is Miss Sina Irshad and today my subject is Urdu. Yesterday we were talking about English and chapter is creative writing in class 5 and today my topic is Takhleeqi Likhai mein class 5 mein hamare paas mazmoon hai ijadat. तो बच्चों आज मैं आप लोगों को इजादात के बारे में बताऊंगी कि इजादात किस किस तरीके की होती हैं. इजादात मुख्तलिफ तरीके की होती हैं जो कि हमसे पहले आने वाले साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा मेहनत से करते रहे हैं, जिनको हम आज अप्लाई कर रहे हैं और जो हमें आज जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है और मुख्तलिफ तरीके के गेम्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में, वो सब कुछ बहुत पहले आने वाले साइंसदान जो हैं वो इजाद कर चुके हैं. और हैरत अंगेज बात यह है कि वो चीज़ें अब बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं जो कि अब चेंज होती जा रही हैं. जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर पहले बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे जो कि अब बिल्कुल सिमट कर छोटे हो गए, लैपटॉप और मोबाइल की सूरत में आ गए. इस तरीके से अगर गेम की बात की जाए तो पहले जो बच्चों के वीडियो गेम्स होते थे वो भी इसी तरीके के होते थे कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते थे, लेकिन इनकी इजाद जो है वो बहुत पहले से हो चुकी हैं जो कि अब हमारे हाथ में आ जाते हैं. तमाम गेम्स वगैरह जो कि पहले गेम्स वगैरह हाथ में नहीं आते थे, मतलब बाकायदा फुल स्क्रीन पर होते थे. अब अगर मैं इजाद की बात करूँ कि मुझे कौन सी इजाद पसंद है, तो मुझे तमाम इजादात में सबसे ज़्यादा जो आज के दौर के हिसाब से पसंद आई है वो है मोबाइल. तो सबसे ज़्यादा क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ ही मोबाइल किया जाता है, हर कोई इससे मुतासिर होता है. तो मैं आप लोगों को मोबाइल के बारे में बताऊं कि मोबाइल सबसे पहले इजाद हुआ 1973 में, क्योंकि बटन्स वाला मोबाइल था, इस तरीके की पिक्चर्स वगैरह कैप्चर नहीं की जाती थी उसके अंदर. सो फर्स्ट मोबाइल जो इजाद हुआ 1973 में था और इसको इजाद करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मैट एंड कॉपर, जिन्होंने अपनी हैरत अंगेज इजाद से सबको मुतासिर किया. क्योंकि अब मोबाइल अपग्रेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, अब हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग वीडियोस वगैरह भी देख लेते हैं और गेम्स गेमिंग वगैरह भी होती है, तस्वीरें खींचते हैं, सब हम लोग काम करते हैं, नेट यूज़ करते हैं. लेकिन जो इसकी इजाद हुई है सबसे पहले, जिसके ज़रिए कनेक्शन यानी कि ताल्लुकात रबते शुरू हुए एक बंदे से दूसरे बंदे के दरमियान वायरलेस, वो इजाद करने वाले मैट एंड कॉपर ही हैं, जिनकी वजह से हम आज तक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और इसमें तरक्की होती जा रही है. इस तरीके से पहले मोबाइल होता था काफ़ी ज़्यादा हैवी होता था, बटन्स होते थे उसके अंदर, अब उसकी जगह जो है वो स्क्रीन ने ले ली है. कि हमारे पास स्क्रीन होती है, बटन्स नहीं होते, हम उसे टच करके तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये हैरत अंगेज इजाद है कि अब हम हाथ में मोबाइल लेकर ही पूरी दुनिया का सफ़र कर लेते हैं, कुछ भी हमें देखना होता है हम देख लेते हैं. और इसके बहुत सारे फ़वाद भी हैं और नुकसान भी हैं. जैसे कि मैंने आपको फ़वाद में बताया कि हम लोग घर बैठे बैठे जो देखना चाहें वो देख लेते हैं. अगर मुझे अपनी पढ़ाई में कोई मसला हो रहा है, कोई टॉपिक अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं वो टॉपिक इस पर सर्च करके बहुत ज़्यादा डिटेल उसकी वीडियोस वगैरह आराम से हासिल कर सकती हूँ और अपनी जो पढ़ाई उसे आसान बना सकती हूँ. और इसके नुकसान क्या हैं, अगर मैं इसको हद से ज़्यादा यूज़ करूँ, लेट नाइट यूज़ करूँ, उसमें वीडियोस देखती रहूँ या फिर कुछ भी गेम्स गेमिंग वगैरह करती रहूँ, अगर ज़्यादा यूज़ करती रहूँ, तो इससे मेरी इफेक्ट डायरेक्ट मेरी आंखों को पड़ेगा, मेरे दिमाग को इफेक्ट पड़ेगा और सब कुछ मुतासिर होगा, आई साइड वीक होना शुरू होंगी. सो जिस तरीके से इसके बेशुमार फ़वाद हैं, इसी तरीके से इसके बेशुमार नुकसान भी हैं. तो हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही इसको यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए मुज़िर होता है, क्योंकि इससे निकलने वाली शुआएँ हमारे ब्रेन को यानी हमारे दिमाग को मुतासिर कर रही होती हैं. ओके, और हमें ये कहा गया है कि ये हमारी साइंस दुनिया में क्या किरदार पेश करते हैं. कि अगर मैं आप लोगों को इस पॉइंट के बारे में बताऊं कि ये हमारी साइंस दुनिया में किस तरीके से किरदार पेश कर रही हैं, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सर्च करूँगी तो उसकी पूरी डिटेल के साथ साथ वो किस तरीके से किसने वो बयान किया है और कौन किस तरीके से उसको अपने पॉइंट्स में बता रहा है, किस तरीके से उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाया गया है, वो सब कुछ हमारे पास नेट पर शो हो जाता है, मतलब नज़र आ जाता है. और मैं आपको इस साइंसदान का नाम भी बता चुकी हूँ. सो आप लोगों ने भी क्या करना है, मुख्तलिफ इजादात हैं, उन इजादात के बारे में जो भी आपको इजाद पसंद है, मैंने मोबाइल के बारे में बताया, आप लोगों को किसी भी इजाद के बारे में बताना है जिससे आप लोग मुतासिर हैं. तो ये आप लोगों को कुछ अहम पॉइंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट है, आप कौन सी इजाद से मुतासिर हैं, यानी कि आपको इसका आंसर देना है कि आप, जैसे मैं मोबाइल से मुतासिर हूँ, आप किस इजाद से मुतासिर हैं,
सेकंड पॉइंट है इनके फ़वाद क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं। सो आप लोगों ने बताना है कि फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, किस तरीके से हम इससे महसूस हो सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और हमें ये किस तरीके से इजाद नुकसान पहुंचा रही है। थर्ड पॉइंट, ये हमारी साइंसी दुनिया में क्या किरदार पेश करते हैं, मतलब साइंसी दुनिया में जो कि ये एरा चल रहा है, अब ये दौर चल रहा है, तो ये साइंसी दौर कहलाता है। तो अब इस दुनिया में, यानी कि इस वक्त, अब हम किस तरीके से उस इजाद से महसूस हो रहे हैं, उस इजाद को अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं, ये आप लोगों ने बताना है। क्या आपको उसके साइंसदान का नाम पता है? तो आप लोग जिस भी इजाद के बारे में बताएंगे, आपको उसके साइंसदान का नाम ज़रूर बताना है कि ये किस साइंसदान की इजाद है और कौन से सन में ये चीज़ इजाद हुई है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने अपनी इजादात के बारे में बताना है, इन तमाम अहम नुकास के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताए हैं अभी, और आप लोगों ने ये तमाम काम सैटरडे वाले दिन सबमिट करवाना है। थैंक यू फॉर लर्निंग थ्रू एसईवे पोर्टल। वी बिलीव दिस वीडियो शैल हेल्प यू टू एजुकेट एंड अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।